वालेकुम वेलकम बैक टू समीनाज रूटीन ब्लॉग उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और बस कुछ ही चंद चन, ही दिन बचे हैं जो रमज़ान आने को है और सभी औरतें जो है अपने हिसाब हिसाब से किचन के काम हो या फिर बाहर के काम हो शॉपिंग हो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करना शुरू कर दिए हैं काफ़ी दिन पहले से मैंने भी ऐसे ही कुछ किया है और आज मैं लास्ट ये काम कर रही हूँ कि मेरा किचन जो है ना अब एक फ़ाइनल जो पूरा क्लीन एक डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है रमज़ान के पहले तो वो मैं कर लूँगी क्योंकि रमज़ान में ना फिर बीच में ऊपर ऊपर का सफाई करना पड़ता है और ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता है अगर पहले से डीप लिनिंग कर ली जाए ना ये चूल्हे की खास करके क्योंकि ये चूल्हा ही जो है जो बहुत गंदा होता है और आसपास जो है अगर समझो डेली का डेली वाइपआउट करते रहे तो इतना काफ़ी गंदा नहीं होगा लेकिन सबसे पहले तो ये चूल्हा जो है ना वो बहुत गंदा होता है तो प्लेटफॉर्म है इसको मैंने अच्छे से लिक्विड डाल के इसे जो डिटर्जेंट है अच्छे से गर्म पानी से मैंने इसे धो दिया है ताकि सारे जो स्टिक स्टिकीनेस और ग्रीस है वो सारा कुछ निकल जाए और जो आसपास का जो सराउंडिंग्स है ना मेरा किचन का तो सब कुछ गैस के इतना नज़दीक है कि सब कुछ बहुत गंदा होता है तो सबको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके सुखा के रख दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मसालों को खाली करके रखा है ताकि मैं अपने जाज जो है ना मसाले के जाज वो अच्छे से वॉश कर सकूं और हम है ना कभी भी किचन में जब काम करते हैं ना तो मसाले अक्सर बीच में ख़त्म हो जाते हैं तो मैंने सोचा कि ना पूरा सब कुछ अच्छे से वॉश करके इसे क्लीन करके अच्छे से वॉश करके ताकि है ना बीच में मैं कुछ ये रिफ़िल वगला काम मैं पूरा महीना नहीं करना पड़े क्योंकि खाना पकाते वक्त अक्सर है ना बरनियाँ जब तेल की बरनी या फिर ये मसालों की बरनी खाली मिलती है ना तो उतना मतलब रिफ़िल करने में टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर कुकिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है तो इस तरह से आप अपना बरनी जो है ना अभी भी आपके पास टाइम है वन वन वीक पूरा बचा हुआ है तो इस तरह से आप अपना बरनी जो है मसालों की बरनी को अच्छे से क्लीन कर लें उसको सुखा लें और फिर उसमें जो रिफ़िल करने लायक होगा वो आप रिफ़िल कर लें अभी जो मंथली जो ग्रोसरी की थी ना मैंने मैंने उसमें ही अपने जो जो भी मसाले मुझे लगने थे वो मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि मुझे और वापस से बीच में लाना ना पड़े और कुछ इस तरह से मैं ना नास को मैंने लिक्विड में भिगो के रखा है और मैं इस तरह से टूथब्रश से मैं इसे साफ़ कर रही हूँ ताकि जो इसमें जो गैप्स है ना उसमें जो ग्रीस लगा हुआ है सारा कुछ अच्छे से निकल जाए अब अंदर का जो है ना यहाँ पर मैं अच्छे से कॉटन का कपड़ा लेकर इसे मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी अगर आपके पास नज़दीकी कहीं सनलाइट वग़ैरह आ रही है तो फिर आप इसे वॉश करके आधा घंटा के लिए धूप में छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पर है ना हमारे यहाँ कहीं धूप नहीं आती है ये जो ग्यारह बारह बजे धूप नहीं आती है सुबह मॉर्निंग धूप आती है तो मॉर्निंग का टाइम तो नहीं है अभी मेरे यहाँ ग्यारह बज रहा है हस्बैंड सब काम पे चले गए हैं बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर है ना पिछले वन मंथ में मैंने बहुत सारे मसाले बना के रखी थी जो अब ख़त्म होने को है और ये मैंने रमज़ान के लिए स्पेशली रमज़ान का बॉक्स बनाया है ताकि मेरे रमज़ान के जो सामान है ना या वहाँ हो नहीं सब एक ही जगह पे मैंने पैनेट्री बॉक्स बना दी हूँ तो यहाँ पर मैंने बेसन चने की दाल सारा कुछ है ना पैकेट्स में इसलिए है अभी क्योंकि मैं अभी एक ही जगह ये जो एक्स्ट्रा स्टॉक होगा ना ये मैं एक ही जगह पे रखूँगी और जो यूज़ करने वाला जो वन वन के जी का जहाज होगा जो रिफ़िल करने लायक होगा वो मैं रिफ़िल करके रख दूँगी ये हरा वटाना काबुली चना रगड़े के वटाने जो होते हैं ये उड़द की दाल और ये एक लीटर जो ऑयल का पैकेट आपको दिख रहा है ये एक एक्स्ट्रा मैं साइड में रखी रहती हूँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डब्बा जो होता है ना ऑयल कैन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से मैं अपना एक स्टॉक रखी रहती हूँ ताकि वक्त ज़रूरत मुझे यहाँ वहाँ बाहर एमरजेंसी में नहीं जाना पड़े तो ये मेरा रमज़ान का बॉक्स जो है वो तैयार हो गया है इसे मैं किनारे रख दूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ, कोई ट्रॉली वगैरह नहीं है आ, मुझे जो सामान है ना सारे बर्नी में और बड़े बड़े डब्बे में कंटेनर्स में रखना पड़ता है तो इसी तरह से मैं अपने सामान को एडजस्ट करके अपने छोटे से किचन में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि मुझे भी ईजी हो परेशानी ना हो लेकिन जब कोई और आता है ना कुकिंग के लिए जैसे मेरे हस्बैंड ही आ जाते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सामान रखा कहाँ जाता है तो उन्हें बार बार मुझे हेल्पिंग हैंड मतलब मेरी हेल्प लेनी पड़ती है और यहाँ पर यूसुफ़ मेरे साथ ना हो ऐसा हो नहीं सकता है ये पूरे लिड्स इसने ख़राब कर दिए अब मुझे इसके लिड्स के ना पूरे जो छोटी डिब्बी होती है ना लिड बॉक्स जो है उसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा यूसुफ़ का हेयर कट भी मैंने करा दी हूँ ताकि ईद तक उसका जो हेयर हेयर कट जो है वो नॉर्मल हो जाए नहीं तो नया नया जो हेयर कट होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ईद के टाइम यहाँ पर है ना गरम मसाले के सेक्शन में भी मैंने बहुत सारे मसाले जो है वो अभी रिफ़िल किए हैं और जो बचेगा वो एक्स्ट्रा स्टॉक में एक खाली खाली बरनी में मैं साइड में रखते जाऊँगी यहाँ पर मैं अब काली मिर्च का पेस्ट सॉरी काली मिर्च का मुझे पाउडर भी बनाना है ताकि रमज़ान में जो डिशेस बनेंगे उसमें मुझे यूज़ हो जाए सारा कुछ और ये है दगड़ फूल जो कि बिरयानी में बहुत कंपलसरी होता है तो ये भी मैं ले आई थी और कुछ मैं मसाले के डब्बे में अभी खोल कर रख दूँगी ताकि मुझे बार बार ये जो है ना बड़ा डब्बा खोलना ना पड़े और जब बाकी का जो एक्स्ट्रा सामान बचेगा ना वो मैं इस तरह से बर्नी में अपना भर के रख लूँगी ताकि जब यूज़ ख़त्म हो जाएगा ना तो उसे मैं वापस से रिफ़िल कर सकूँ और ये जो मैं अब भर रही हूँ ना ये है सब्ज़ा ये बिल्कुल चिया सीड जैसा होता है चिया सीड्स थोड़ा सा महंगा होता है सब्ज़ा आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा इवन चिया सीड्स इज़ आल्सो अवेलेबल अगर आपको दोनों में से कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आप अगर चिया सब्ज़ा नहीं लेना चाहते तो आप चिया सीड्स ले लें दोनों ही पेट को बहुत ही ठंडक देगा रमज़ान अब गर्मी में आया है अब मतलब यानी कि मार्च का महीना और अप्रैल का महीना जो है तो तकरीबन स्टार्टिंग की जो गर्मी होती है ना उससे आप ना शायद परेशान भी हो सकते हैं लेकिन इस तरह से आप ठंडी चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे ना तो आपका जो बॉडी है टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई नहीं होगा घर पे अभी अधूरे अधूरे से काम बाकी है अब जब हस्बैंड को जिस दिन छुट्टी होगी तो उस दिन हम लोग और थोड़ा सा जो काम है वो वाइंड अप करके मैं फ़िनिश करूँगी यहाँ पर बरनी जो है अच्छे से सूख गए थे मैंने उसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोच लिया था अब जो है इसमें सारे मसाले मैं भर दूँगी रिफ़िल कर दूँगी सारे जार्स ताकि पूरे रमज़ान में मुझे इस मसाले की तरफ मुझे देखना ना पड़े सिर्फ उसमें मेरा एक गरम मसाले का जो बरनी है वो रह गया था उसे भी इन रिफ़िल कर दूँगी और ये जो बचे कुचे हल्दी पाउडर धनिया के पाउडर और मिर्ची पाउडर जो थे ना पहले के वो मैं ऊपर रख दूँगी ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए पहला ये यूज़ हो जाए और न तो फिर ऐसा होगा कि पहले वाला रह जाएगा और जो अभी नया पैकेट्स आया है वो हम यूज़ कर लेंगे तो वो और पुराना हो जाएगा तो इस तरह से मैंने सारे जार्स को रिफ़िल कर दिया है ये है गरम मसाला गरम मसाला भी मैं रिफ़िल कर दूंगी ये बहुत थोड़ा सा लगता है इसके लिए मैंने छोटे पैकेट्स मंगाई थी ये अभी तक है मेरे पास अब मुझे पूरे रमज़ान की टेंशन नहीं होगी सिर्फ गरम मसाला है जो मैं रिफ़िल करना चाहती हूँ वो मैं इन अभी जब खजूर वगैरह आएंगे ना अभी तक खजूर की शॉपिंग नहीं हुई है हस्बैंड जाने वाले हैं बॉम्बे लेकिन बस छुट्टी का वेट कर रहे हैं कि कब छुट्टी मिले तो वो बॉम्बे जा थोड़ी सी शॉपिंग और कर लाएँ और यहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम्स चालू है बोर्ड एग्ज़ाम्स और एक... यहाँ यहाँ तक के ना जो छोटे बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी के उनके सारे एग्ज़ाम्स चालू हैं तो बस सारे एग्ज़ाम्स के टाइम में ना ये तैयारी चल रही है तो इसलिए व्लॉग भी लेट आया था ये सारे मसाले मेरे प्रिपेयर हो गए हैं कुछ मसाले मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं जो अधूरे अधूरे से हैं वो मैं अब रिफ़िल कर दूँगी उसको भी बाद में इस तरह से आप अपनी पैनेट्री अपने मसाले जो है वो रेडी रखिएगा रमज़ान के लिए जो जो अवेलेबल है यहाँ पर अभी मैं इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाने वाली क्योंकि पहले मैं इसे ख़त्म करूँगी और फिर बाद में मैं अपने जो बाकी के जो है वो मैं ख़त्म करूँगी यहाँ पर रमज़ान की तैयारी हो रही है तो मैंने जैसे लास्ट टाइम अपने किचन को सजाया था तो मैंने सोचा है कि जहाँ मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उस दीवार को थोड़ा सा सजावट कर दूँ लेकिन यकीन नहीं करेंगे बच्चों के एग्ज़ाम्स के चक्कर में मैंने अभी तक कुछ भी बनाई नहीं बस ये कटिंग करके रखा हुआ है अब जब थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा ना जैसे तैसे करके यहाँ पर यहाँ तक पहुँची हूँ लेकिन कभी कभी वक्त और हालात साथ नहीं देते तो बस अभी भी मेरे हाथ मेरे वक्त मेरे हाथ में नहीं है टाइम बहुत कम रह गया है अभी रमज़ान के लिए और ये जो समोसा बना रही थी ना लिटरली इतने अच्छे बने थे मैं रिग्रेट कर रही थी कि इसकी रेसिपी काश मैं शूट कर पाती आई होप आज का ब्लॉग आपको यूज़फुल लगा होगा आप को मेरा ब्लॉग देखकर आप लोग ज़रा भी से भी तैयारी कर लेना तो वो बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ और नई रेसिपीज़ के साथ इन से ज़रूर मिलूँगी दुआओं में याद रखे अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज